वहीं जांजगीर चांपा ड्रग विभाग की लापरवाही कार्यवाही, छापामार कार्रवाई में चांपा के शारदा मेडिकल स्टोर में छापामार कार्रवाई की गई है। संचालक के घर से 80 नग नशीली सिरप मिली है। आपको बता दें कि 225 नग टैबलेट, जिले में तेजी से बढ़ रहा नशीली दवाओं की अवैध बिक्री। तो बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, चांपा के शारदा मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की गई है। 80 नग नशीली सिरप को जब्त किया है और 225 नग टैबलेट भी इसमें जब्त की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ स्वास्थ्य मंत्री रवि गोयल फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या खुलासे हो पाए हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा, ड्रग विभाग के अधिकारियों द्वारा कल जो है चांपा के शारदा मेडिकल स्टोर के जो संचालक है उनके घर पे जो है बड़ी मात्रा में जो है अवैध रूप से रखी नशीली दवाइयों को जब्त किया गया है। अधिकारियों कह रहे हैं कि हमें कई दिनों से जो है जानकारी मिल रही थी कि शारदा मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा जो है अवैध रूप से नशीली दवाई बेची जा रही है, वहाँ युवाओं को जो है नशे के गिरफ्त में लिया जा रहा है। इस प्रकार की उन्हें लगातार जानकारी मिल रही थी, जिस पर उनके विभाग के द्वारा कई दिनों से जो है रेकी की जा रही थी, पता किया जा रहा था कि कहाँ से ये दवाइयाँ बेची जाती है। तो कल जो है उन्हें पता चला कि वो अपने घर से जो है, बजरंग साहू जो वहाँ से संचालक, अपने घर से जो है इस प्रकार अवैध रूप से दवाइयाँ बेच रहा था, जहाँ उन्होंने रेड किया और उनके घर से जो है करीब 80 नग सिरप जब्त किया गया, वही टैबलेट भी भारी मात्रा में उन्होंने जब्त किया है। अधिकारियों कह रहे हैं कि अब इसमें जो है लीगल रूप से जो कार्रवाई की जाएगी, उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और जो भी कानूनी प्रावधान है उन्हें सजा का, वो सारी कार्रवाई इस पर की जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर इंदौर।